6 जून 1984 का वह काला दौर जिसनों पंजाब का कोई भी सिख कोई भी पंजाबी भुला नहीं सकता अते उस समय की भारतीय हुकूमत के कहन पर भारतीय फौजी वालों श्री दरबार साहिब पर हमला कर कई सिखां नूं शहीद कर दिता गया सी। पर उस समय कई ऐसे सिख फौजी सन जिन्हां नूं श्री दरबार साहिब उपर होए हमले के रोष वजो अते धर्म की खातिर भारत सरकार के खिलाफ बगावत करनिया पईआं बैराकां छड्ड दित्तियां सन जिन्हां नूं अज धर्मी फौजियां दे नाम नाल जानिया जांदा है। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट लाइव भारत। मेरा नाम सरदार अमरीक सिंह धर्मी फौजी। मैं जदों ये सन 84 का घल्लूघारा होया उस वेले असीं अलवर तैनात सां। अलवर दे विच सानू 6 जून नूं जदों अटैक किया आर्मी ने हिंदुस्तान दी ने अपना हरिमंदर साहब ते तो साडे मन दे विच घुटन महसूस होनी शुरू हुई जदों सानू हौली हौली ये जिहड़ी भिणखा पैणी शुरू हुई। पर जिहड़ी सरकार सी इहने इहदी उदों पालसी सी इहने साडे कोल सारे जिहने प्रचार माध्यम सन उह सारे साडे कैद कर ले साडे तक पहुँचण नहीं दित्ते ते लोकां दे विच होर जिहड़ा घुटन महसूस हुंदी रही। पर उस वेले एक नवा मोड़ वो साडी पलटन विच उदों आया जदों साडे दो हौलदार छुट्टी कट के आ रहे सन ते रस्ते विच उहनां दी बेपत्ती कीती गई दाढ़ियां कट दित्तियां गईआं मुछां कट दित्तियां गईआं उहनां नूं वेख के साडे मन दे विच रोस पैदा होया जिहदे तों असीं ये जिहड़ा प्रोटेस्ट है करदा मन बना लिया। उस वेले साडी पलटन च एडवांस पार्टी दे विच 200-400 बंदा जिहड़ा उह बागी हो गया। टोटल जिहड़ी सारी आर्मी सी उह ते तकरीबन बाद च सानूं अंकड़ियां दा पता लग्गा 12,000 बंदा जिहड़ा आर्मी दा उस वेले बागी होया। प्रोटेस्ट उस वेले साडा सिविलियन दे नाल जां दूजे तीजे नाल साडी कोई लड़ाई नहीं सी। असीं उह वेले मन विच चाहुंदे सां वी साडा जिहड़ा रौला रप्पा जिन्नी साडी प्रोटेस्ट आ इह हिंदुस्तान आर्मी दे कन्नां तक पहुँचे ते इह अजिहे फैसले लैण तों जिहड़ी आ बाज आए ते जे असीं अमृतसर पहुँच जांदे ते हो सकदा साडा आर्मी दे नाल टाकरा वी हो जांदा। जदों असीं अलवर तों बागी होए आ ते उसे दिन ही असीं अलवर अजे थोड़े दिन होए आए सानू किसे रस्ते का पता नहीं सी। असीं ट्रक यूनियन दे विचों रस्ता मार्क करके वाया बठिंडा जिहड़ा उह पंजाब दे विच एंटर होना चाहुंदे सां पर सानू रस्ते विच विराट नगर सीकर डिस्ट्रिक्ट दा थाणा जिहड़ा उत्थे आर्मी ने CRP ने राजस्थान पुलिस ने रोक लिया। जदों रुकिया उत्थे साडी आपसी तनातनी होई जिहदे विच फायरिंग वी हुई। फायरिंग दे विच साडे काफ़ी मुंडे जिहड़े ने हौल अपना बलवंत सिंह साडा मुंडा गोला खसुटता सी उहनूं सट लगी। एक लहारी कलां दा सी महेंद्र सिंह उहनूं सट लगी। एक गढ़दीवाल दा सी अपना गुरदीप सिंह उहनूं सट लगी। एक जसवीर सी मुंडा अपना गढ़ शंकर दा उहनूं सट लगी। एक शीतल हौलदार सी साडा जिहड़ा हुशियारपुर दा मारिया गया उत्थे। बागी होण तों बाद जदों असीं उत्थे साडा आपसी तकरार होया तकरार होण तों बाद सानूं आर्मी ने चिट्टा झंडा करके आप च गलबात करन दा सदा दिता ते सारयां नूं पुछ के ते उत्थे जा के उहनां नाल गलबात कीती गई। गलबात दे विच हां इक्को शर्त रखी वी जिहड़े साडे 8 आदमी इंजर्ड ने इहनां नूं सब तों पहलों दाखल करवा के वापस आओ ते सानूं दिखा दिओ पे हाँ इहनां नूं हॉस्पिटल दाखल करवा दिता ते उस तों बाद असीं सिलेंडर कर देंगे। ते सिलेंडर असीं इस करके कीता वी साडे दुआले आर्मी दा बहुत ज़्यादा घेरा टाइट हो चुका सी ते सानूं इह पता सी वी इस तों बाद जिहड़ा साडे कोलों अमनीशन तक नहीं पहुँचा जाणा। उस तो बाद सानूं इन्हां ने उत्थों कैद किया साडियां बाहां गड्डियां दे पिछले बने बन्न के कुंडियां दे नाल ते भरतपुर लै गए। भरतपुर दे किले विच सानूं बंद कर दिता जिहड़ा पुराना किला सी जिथे मान साहब नूं फड़ के खड़िया सी उत्थे सानूं जा के बंद कर दिता। बंद करन तों बाद 3-4 दिन तो सानूं रोटी पाणी इन्हां दिता नहीं ते 3-4 दिन तो बाद एक मेजर साहब आया उहने आण के गल कही वी तुसीं उस हिंदुस्तान उस हरिमंदर साहब वास्ते बगावत कीती है जिथे जनानियां नूं जिंदा साड़िया जांदा। वह भी साढ़े मन के बहुत भारी रोस आया। अं होर 2-4 दिन इन्हों लागे नहीं लगन दिता। उस तो बाद अकोमोडेशन जी टाइट कर दिता कल दरवाजे कल कमरे में बंद कर दिता कल कमरे में कला सूँ रखना शुरू पता जो सारे साढ़िया इंटेरोगेट एजेंसिया सन आर्मी दू इंटेरोगेट किया तो साढ़े तो एको मुख गल पुछी जाती सी भी ढे को भिंडरांवाले का कौन बंदा आया जिदे करके तुम बगावत की किदा संदेशा ढे तक पहुँचा वो इन्हों के कुछ हासिल नहीं होया। अं सानू 10 साल सिविल जेल हुई तो अं अल पहलों भरतपुर तो अलवर आए सिविल जेल तो सिविल जेल अलवर तो सानू फिरोजपुर जेल भेज दिता गया तो फिरोजपुर जेल तो गुरदासपुर जेल भेज दिता गया। गुरदासपुर तो फिर साडा चलान फिरोजपुर का फिरोजपुर तो फिर दोबारा गुरदासपुर इन्हां जेलों का सफ़र करद्या करद्या सानू 7 साल बीत गए जदों साडी रिहाई आई है। सरकारां जिहड़ियां ये साडे खून दे नहा के उत्ते सरकारां बणते गईआं सन
पर इन्हें साडा उस वेले साथ कोई नहीं दिता। सिर्फ एक सरदार सुचा सिंह छोटेपुर बरनाला सरकार के टाइम के उत्ते मंत्री सन सैर सपाटा, वो साढ़े को आए, उन्हें सानू आण के पुछया भाई तुम काका किन्नी तनखा लेंदे हो तो किन्ने तुहानू हुण पैसे देते जाण जिहदे नाल तुहाडा बाग परिवार जिहड़ा खुश हुंदा। असीं कहा भी सानू कोई हज़ार रुपया लेंदे हाँ, उन्हें कहा जे 500 मिलते जे तुसीं खुश हो, तो अं क्या भी 500 नाल भी चलो साडे बच्चे जिहड़े किराया कुरा दे के साडी मुलाकात कर लैणगे। उस वेले बरनाला सरकार के टाइम पर साडी सार लई गई, ये जिहड़े ने ते अपने झोलियां ते तजौरियां भरन डए ने बच्चों वास्ते, तो चलो साढ़े सहूलत देंदे ही ने बच्चों वास्ते, तो इन्होंने की है कार्रवाई जी सैनिक बोर्ड वालों सानू आउंदा रहिंदा भी जिहड़े इन्हां दे बच्चे ने इन्हां दी फीसां फूसां माफ़ कीतियां ने, पर जिहड़े अजे जिउंदे ने कोई बहुत घट मात्रा विच ही रह गए हैं। काफ़ी बंदियां दा होया कोई समरी कोर्ट मार्शल होया, पर 123 बंदे हुण इस वेले मौजूद ने जिहड़े पेंशन लै रहे ने MMG ग्रांट, तो वो सारे 10-10 साल 12-12 14-14 साल उन्हां नूं सजावां होईयां ने।